नहारी, नाम सुनते ही लखनऊ और दिल्ली की जंग शुरू हो जाती है कि भैया हमारी नहारी बहुत बढ़िया है और हमारी नहारी बहुत बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि दोनों ही नहारी अपने आप में है, लेकिन भैया जो मेरा पर्सनल वो है ओपिनियन कि जो है नहारी जो है भैया जब तक पाए के स्टॉक में ना बनाई जाए तब तक वो नहारी नहीं होती है। और दूसरी चीज़ ये है कि भैया नहारी की जो शुरुआत हम सब जानते हैं कि भैया नहार मुँह खाया जाता है, नहारी नहारी वर्ड जो है, शब्द जो है वो वहीं से निकला कि नहार मुँह। तो वो नहारी ताकि खाने के बाद सारा दिन आपका जो है वो बढ़िया सा मजबूत निकले। तो दिल्ली वाली नहारी आप सबके लिए लेकर आ गया हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा कौन सी ख़राब है कौन सी अच्छी है, भैया खा रहे हैं बना रहे हैं तो मैं कभी खाने की बुराई नहीं करता हूँ, कंपैरिजन भी नहीं कर रहा हूँ। हर आदमी की पर्सनल अपनी अपनी चॉइस होती है, किसी को दिल्ली वाली अच्छी लगती है तो किसी को लखनऊ वाली अच्छी लगती है। मुझे दोनों ही अच्छी लगती है क्योंकि भैया दिल्ली भी रहा हूँ लखनऊ भी रहा हूँ, तो मैं ये डिसीज़न नहीं बता सकता हूँ आपको, लेकिन हाँ बनाना ज़रूर बता सकता हूँ क्योंकि दोनों ही नहारी बहुत बढ़िया तरीके से आपको बनाकर दिखाऊंगा। आज जो है दिल्ली वाली नहारी बना रहा हूँ आप सबके लिए, बहुत ख़ास किस्म की नहारी है, ऑथेंटिक तरीके से बना रहा हूँ। अगर आपने भैया इसको इसी हिसाब से बना लिया ना, मज़ा आ जाएगा आपके किचन के अंदर। तो हेलो गाइस, मैं शेफ मोहसिन कुरैशी आप सबके लिए फिर से इस्तकबाल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। बहुत बढ़िया से दिल्ली वाली नहारी जो आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ, उसको बनाने से पहले आप प्लीज़ दोस्तों चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि वीडियो आते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए दिल्ली वाली नहारी बनाते हैं आप सबके लिए। तो चलिए दोस्तों, दिल्ली वाली नहारी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे हमारी लगन के अंदर तेल। तेल गरम हो गया है और अब हम डालेंगे इसके अंदर प्याज। प्याज डालने के बाद में प्याज को हम ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद में इस प्याज को हम बाहर निकालेंगे, तो बेहतर यह है इसको बाहर निकालने के लिए हम एक छन्नी जल्दी से ले लें ताकि प्याज जो है प्याज का तेल बाहर ना आए, सिर्फ प्याज आ सके। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं प्याज हमारा ब्राउन होने वाला है। तो हमेशा प्याज ब्राउन करते हुए एक बात का खास ध्यान रखिए, जब इस कंडीशन में प्याज आ जाता है ना तो हमेशा गैस को ना स्लो कर देना चाहिए ताकि जो प्याज है वो आपके कंट्रोल में रहे और जल्दी से ब्राउन ना हो सके। तो ये देखिए, ये हमारा प्याज ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन की कंडीशन में आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्याज को बाहर निकालेंगे। ये प्याज जो है हमने बाहर निकाल लेना है। प्याज हमने हमारा बाहर निकाल लिया है, उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। हमने डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे हमारा गोश्त। गोश्त आप देख सकते हैं हमेशा गोश्त को ना इस तरह का बोन होना चाहिए, और ये आप देख सकते हैं हमने बोन के गोश्त का इस्तेमाल किया है। तो ये हमने डाल दिया गोश्त। बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम पर इसको आपको भूनना है, और स्लो फ्लेम पर इसलिए भूनना है कि अक्सर तेज़ गैस पर अगर आप भूनेंगे ना तो गोश्त अंदर से काला पड़ जाता है। तो ये बात का हमेशा ध्यान रखिए, गोश्त को हमेशा स्लो फ्लेम पर ही रखें। तो ये देखिए, ये हमने हमारा गोश्त भून लिया है। गोश्त को कम से कम 5 से 7 मिनट तक हमें भूनते रहना है धीमी आंच पर,
और उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे हमारा नमक, के बाद कश्मीरी मिर्च पाउडर और नॉर्मल मिर्च का पाउडर, ये डालने के बाद में हम इसे इस तरह से भूनेंगे। इसको भूनने के बाद में हम होममेड आपको मसाला बताएंगे किस तरह से नहरी का, दिल्ली वाली नहरी का होममेड मसाला बनेगा वो आपको बताएंगे। तो उससे पहले हम इसको, जो प्याज हमने निकाला था हम वो डाल देंगे। और ये देखिए, ये हमने डाल दिया प्याज। तो दोस्तों ये हमने डाल दिया थोड़ा धनिया का पाउडर और फिर हमें इसे इस तरह से भूनना है। धीमी आंच पे इसको भूनते रहिएगा ताकि इसका जो मसाला है और गोश्त है नरम रहे, अंदर से गोश्त भी काला ना हो। धीमी धीमी आंच पर इसे इस तरह से भूनते रहें आप लोग। बहुत आसान तरीके से ये नहरी तैयार हो जाती है और बहुत लज्जत वाली नहरी होती है। मज़ा आ जाता है इस नहरी को खा के। जब आप घर पे बनाएंगे ना दोस्तों तो बहुत ही ज़्यादा आप सबको मज़ा आने वाला है। तो ये हमने इसको भून लिया है। अब भूनने के बाद में इसके हम अंदर डालेंगे ये हमने चने का आटा जो है घोल लिया था वो डाल दिया है। इसको इस तरह से पानी डालना है। पानी डालने के बाद में हमें इसे दम पर लगा देना है और फिर जो होममेड हम नहरी मसाला बनाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा लास्ट में आप डालेंगे तो वो और भी ज़्यादा मज़ा देगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, उस मसाले को पहले ही डाल के भून लेते हैं जिसकी वजह से वो लज्जत नहीं आ पाती है। वो मसाले की जो खुशबू है, जो चीज़ें हैं वो दब जाती हैं। हमेशा खुशबू के मसाले में हमेशा कहता हूँ आखिर में डालें, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया सा लाजवाब सा जायका पैदा होता है। तो चलिए अब हम इसको दम पर लगाते हैं। तो दोस्तों होममेड नहरी मसाला बनाने के लिए आप देख सकते हैं हमने जीरा लिया है, काले मिर्च लिया है, इलायची लिया है, बड़ी इलायची लिया है, सूखा धनिया लिया है, लौंग लिया है, स्टार एनिस लिया है, काली मिर्च लिया है, अनार का दाना लिया है, तेज़पत्ता, दालचीनी, मेज और जायफल और ज़ीरा और थोड़ी सी सिट्रिक एसिड। लोग टमाटर डालते हैं और ये चीज़ें डालते हैं तो आजकल मतलब ये सिट्रिक एसिड का एक ट्रेंड चल गया है नहरी के अंदर जो लज्जत पैदा कर रहा है। तो मैंने भी सोचा कि हम भी डालकर देख लेते हैं और आपको भी बता देते हैं क्या जायका रहेगा। तो चलिए ये इसको अब हम क्या करेंगे,
कि इसको रोस्ट कर लेंगे, रोस्ट करने के बाद में धीमी आंच पे रोस्ट करेंगे और रोस्ट करने के बाद में इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं वो जो मसाला था हमने पीस लिया है, और लगभग 80% के आसपास जब आपका मटन हो जाए तब आप इस मसाले को इस तरह से इसमें नहरी जो होममेड मसाला है डाल लीजिएगा और हल्का सा हिला के इस तरह से मिक्स करके दोबारा ढक लीजिएगा। ये मसाले की जो टेक्निक है जो बताया है मैंने, आप इसको इसी टाइम पर डालिएगा, और जो लोग नहरी बनाते हैं ना उनसे भी मैं बता रहा हूँ इसी टाइम पर डालिएगा, और फिर इस नहरी का टेस्ट देखिएगा क्या मज़ेदार टेस्ट आएगा। मसाला अगर शुरू में आप डाल रहे हैं ना तो दोस्तों बहुत मतलब वो मसाले में ना एक कड़वाहट सी पैदा हो जाती है नहरी के अंदर। चलिए अब 20% जो बचा है इसको हम लोग फिर दम मार देते हैं और इसको पकने देते हैं, फिर दिखाएंगे आपको। तो दोस्तों चलिए अब ऑलमोस्ट मटन भी गल चुका होगा हमारा, चेक करते हैं, और नहरी भी लगभग तैयार है। तो देखते हैं क्या माहौल है भाई नहरी का। हाँ, बहुत बढ़िया सा रोगन आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसका रोगन जो है निकाल लेंगे ऊपर से, और रोगन निकालने के बाद में इसके अंदर थोड़ा सा सौंफ का पाउडर और सौंठ का पाउडर डालेंगे, जो कि भाई नहरी के अंदर और ज़्यादा दम पैदा करेगा। आपने देखा बहुत आसान तरीके से मैंने नहरी आप सबके लिए बनाया है, और मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको खा के। ये मैंने रोगन निकालना शुरू कर दिया है। रोगन इसलिए हमेशा निकाल लेना चाहिए, जैसे ही आप इसको चलाएंगे ना तो रोगन अपने आप ये गायब हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि रोगन को पहले ही आप निकाल लें और ऊपर से रोगन डालकर दें, जो हमेशा आप रेस्टोरेंट में खाते होंगे दिल्ली के अंदर। ये देखिए ये मैंने दोस्तों निकाल लिया है रोगन इसका। तो दोस्तों ये रोगन हमने उतार लिया है इसका। रोगन उतारने के बाद में गोश्त का देखते हैं, जायजा लेते हैं क्या माहौल है। भाई वाह, मलाई की तरह गोश्त है हमारा, और आप ना ये देख सकते हैं क्या बिल्कुल मलाई की तरह गोश्त गल चुका है। बोंग लेने से यही फायदा होता है। बोंग में सबसे ज्यादा जो है जो आप बोल सकते हैं जेलेटिन होता है वो सबसे ज्यादा नली के बाद बोंग में आता है। ये देखिए बिल्कुल मजेदार मलाई की तरह गोश्त गल चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नहरी में नहरी के अंदर थोड़ा सा सौंफ का पाउडर और थोड़ा हमारा सौंठ का पाउडर डालेंगे, और इसे डालने के बाद में गैस को धीमी आंच पे ऑन करके ऐसे हिला के ढक देंगे, और ढकने के बाद में फिर निकाल के आपको दिखाते हैं।